हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देन नेटवर्क केबल के बारे में। तो इस कंपनी में अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है, तो रिजल्ट भी एक बार एनालिसिस करेंगे। उस बेस पे उसके टारगेट हम क्या लेके चल सकते हैं, जो पुराना टारगेट हमने लिया हुआ है उसी टारगेट तक हमें अभी रुकना चाहिए, तो ये उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उसी बेस पे आप उस स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके एक बढ़िया सा गेन स्टॉक मार्केट से लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी काफ़ी सारा फ्रेंड्स का सवाल आ रहा था कि हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना है और ट्रेडिंग कैसे करना है और कौन स्टॉक को कैसे बाय करेंगे, सेल करेंगे, कौन सा स्टॉक को लेके चलेंगे, तो हमारा काफ़ी सारा डाउट है। अगर ऐसा डाउट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जीरोधा का लिंक, तो वहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में आप मुझे मेल कीजिए, मेरा मेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी मेल आईडी पे आप मुझे मेल कीजिए, तो मैं आपको जरूर एक फ़ोन करके आपको बता दूंगा कौन सा आपको स्टॉक लेके चलना चाहिए और कैसे डाइवर्सिफिकेशन आपको पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। मैं आपको मेल पे भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको कॉल करके भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां पे देन नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, इसमें काफी दिन से हमारा पोजीशन है लेकिन वहां पे गेन नहीं मिला है। और आप क्या सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में ऐसा एक एक स्टॉक होता है जो कि बिल्कुल आग की तरह भागता है, ठीक है, रॉकेट की तरह भागता है, लेकिन हमारा स्टॉक हमने काफी दिन से लिए हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं भाग रहा है फ्रेंड्स। हमेशा मैं आपको वही चीज एक चीज बोला हूँ, जहां पे हमें एक अपॉर्चुनिटी की नजर आता है उस टाइम पे बाय करके रख लेना चाहिए, और स्टॉक का टारगेट कहाँ कब अचीव होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। किसी टाइम पे ऑपरेटर वहां पे एंट्री लेंगे और वहां पे जबरदस्त बाइंग होगा, उस टाइम पे टारगेट कैसे अचीव होगा। अभी देखिए, अभी कुछ दिन से अगर आप देखेंगे ये शारदा क्रॉप्स केमिकल में ये स्टॉक में किसी हिसाब से तेजी है, आप देख रहे हैं ना, 5 दिन में यहाँ पे 70% तक का गेन देख चुका है, मतलब जबरदस्त ये स्टॉक में तेजी अभी चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक में कभी भी आपको एंट्री नहीं लेना है। जब मोमेंटम में स्टॉक भागता है ना, उस टाइम पे ओनली ट्रेडिंग किया जाता है, वहां पे स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत रिस्की हो जाता है। हमें क्या करना है, फंडामेंटली अच्छे से स्टॉक को लेके चलना है और गिरावट में खरीद के रखना है, तो अपना टारगेट प्राइस तक हमें इंतजार करना है। और टारगेट प्राइस हो सकता है 3 महीना लग सकता है, हो सकता है 6 महीना लग सकता है, उस हिसाब से टारगेट के हिसाब से अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज होता है, ठीक है। लेकिन आप कभी भी स्टॉक जब भाग रहा होता है ना, उस टाइम पे एंट्री मत लीजिए। अगर ऐसे एंट्री लेंगे ना, तो फिर आप ट्रैप भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे एंट्री लेंगे आप, फिर ट्रैप हो जाएंगे। जैसे वैभव ग्लोबल में भी कुछ सारे फ्रेंड्स भी 900 का लेवल पे बाई किए हैं, कुछ 950 में भी बाई किए हैं, तो मतलब पूरा टॉप में बाई किए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देन के बारे में बात करेंगे, देन नेटवर्क के बारे में फ्रेंड्स, एक 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसका ये डेट फ्री कंपनी है, ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी हो चुका है। तो इसका पी का अगर बात करेंगे, यहाँ पे 12 PE पे स्टॉक चल रहा है। और स्टॉक का मेन चीज अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे बुक वैल्यू देखिए, 60 पे इसका बुक वैल्यू है, अभी करंट प्राइस चल रहा है 42 पे करंट प्राइस चल रहा है। इसका जब ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 256 है। हम तो ऑल टाइम हाई तक कभी स्टॉक को भी बाय करके नहीं रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन सा टारगेट तक हमें रुकना है, ठीक है। इसमें क्या पॉजिटिव फैक्टर है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी वीडियो में जरूर आखिर तक बने रहिए। अगर हम देखेंगे इस कंपनी का, आप देखिए इस कंपनी जो है, तो यहाँ पे डेन नेटवर्क इज द मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी इन द प्रोवाइडिंग विजुअल एंटरटेनमेंट टू द कस्टमर थ्रू केबल केबल टीवी नेटवर्क है। तो यहाँ पे OTT पे भी उनका बिजनेस है और यहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 मिलियन हाउस होल्ड इन द अक्रॉस इंडिया, इंडिया में तो यहाँ पे 1.3 करोड़ इनका कस्टमर है, ठीक है। 13 मिलियन मीन्स 1.3 करोड़, तो यहाँ पे इसी हिसाब से 433 कंट्रीज सिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस इन द केबल प्लेयर। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, ये कंपनी किसका है, एक सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे इसका रिजल्ट के बारे में, जब बात करेंगे यहाँ पे अभी रिजल्ट आ गया है जो कि दिसंबर क्वार्टर का, दिसंबर में 294 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। पिछले दिसंबर में अगर हम बात करेंगे
342 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला था। सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, लास्ट दिसंबर में यहाँ पे 66 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे 45 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर के बारे में बात करेंगे, स्टॉक में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बारे में बात करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा राइज देखने को मिल रहा है। तो अगर लास्ट 4 क्वार्टर का भी हम प्रॉफिट देखेंगे, वहाँ यहाँ पे 163 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम ये स्टॉक में अगर सेल्स के बारे में बात करेंगे इस कंपनी में, लास्ट 4 क्वार्टर में 1248 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम रिजर्व में जाके बात करेंगे, रिजर्व में देखिए, रिजर्व भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिजर्व में। अगर इसी हिसाब से आप अगर बोरोइंग देखेंगे, पहले कंपनी में बोरोइंग था, बोरोइंग को धीरे धीरे कम करते करते यहाँ पे 1025 करोड़ का बोरोइंग था। धीरे धीरे कम करते करते यहाँ पे डेट फ्री कंपनी ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है। अगर यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं, यहाँ पे प्रमोटर के पास में 74.9% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर कौन है, यहाँ पे जियो है। ठीक है, तो यहाँ पे जियो डिजिटल होल्डिंग है, यहाँ पे जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जियो टेलीविजन है। तो मतलब रिलायंस यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पे अगर आज के दिन का हिसाब से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया, आज के दिन में अगर हम देखते हैं स्टॉक में 19,22,000 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पे 7,10,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 37% का डिलीवरी उठाया गया है। तो बढ़िया सा डिलीवरी हम इसको मान सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर फ्रेंड्स देखते हैं स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था, इसका जब ऑल टाइम हाई देखने के लिए हम वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं। अगर वीकली चार्ट पे हम देखते हैं ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई, देखिए यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई 2010 में था। उसके बाद में अगर देखेंगे उसी सेम लेवल पे 2014 में भी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था। अगर 2014 के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, तो 2014 के हिसाब से अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे 2015 को भी देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव में आ चुका था प्रॉफिट। यहाँ पे 1130 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था। अगर इसी हिसाब से अगर 2014 की बात करेंगे, यहाँ पे 1098 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला था, यहाँ पे 38 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। उसी हिसाब से अभी प्रॉफिट में अगर उसी हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 163 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, जो कि काफी कुछ साल से यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा था प्रॉफिट। ठीक है, अभी प्रॉफिट बहुत बड़ा पॉजिटिव में आ चुका है, और 163 करोड़ का प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। और सेल्स भी अगर उसी हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, सेल्स भी ठीक है, 1200 करोड़ का सेल्स है। और प्रमोटर कौन है, रिलायंस कंपनी यहाँ पे प्रमोटर है। तो यहाँ पे जो फैक्टर हमें नजर आ रहा है, सारे फैक्टर पॉजिटिव भी नजर आ रहा है, इसमें कोई इतना ज्यादा रिस्क हमें नजर नहीं आ रहा है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, 10 साल से 19% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। अगर 5 साल के अगर सीजीआर हम देखेंगे, यहाँ पे 20% का यहाँ पे है प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक यहाँ पे सीजीआर अगर देखेंगे तो नेगेटिव में दिखा रहा है। तो मतलब स्टॉक अभी तक यहाँ पे रैली नहीं हुआ है, तो अभी अंडर वैल्यू चल रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में बहुत बढ़िया सा रैली आ सकता है। ठीक है, अगर आप ये स्टॉक को आप अभी बाय करना चाहते हैं तो भी बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक में कुछ दिन पहले एक बढ़िया सा धमाकेदार तेजी देखने को मिला था। आप अगर देखेंगे ये स्टॉक में, देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा तेजी देखने को मिला था। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक में इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर आपको इसमें इमिडिएटली पोजीशन बनाना है, मुझे लगता है आप इमिडिएटली पोजीशन बना के चल सकते हैं। और फास्ट टारगेट के लिए आपको मैंने बहुत बार भी बताया हूँ, यहाँ तक अगर फास्ट टारगेट तक आप लेके चलते हैं, यहाँ पे ये जो टारगेट है आपको इमिडिएट टारगेट अचीव कर सकता है। क्यों, उसका पीछे का रीजन है, यहाँ पे बुक वैल्यू देख लीजिए, उसका बुक वैल्यू 60 है। और स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कितना बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक का, देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इसलिए ये लेवल तक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इजीली आपको 6 मंथ्स में भी टारगेट अचीव करा सकता है। अगर 6 मंथ्स की बात करेंगे, 6 मंथ्स में आपको 50% तक का गेन है, तो कोई छोटा गेन नहीं है फ्रेंड्स। अगर 6 मंथ्स के एक साल भी लग जाए, अगर 50% का गेन के लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको 6 मंथ्स में ये आपको 50% का गेन जरूर अचीव हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे भेजने वाला नहीं हूँ, मैं इसका स्टॉक का प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला हूँ। क्यों, उसका रीजन वही है, क्यों, कंपनी डेट फ्री हो चुका है और प्रॉफिट भी बढ़िया है, और रिलायंस सब्सिडरी कंपनी है, तो इसी हिसाब से रिलायंस यहाँ पे प्रमोटर है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में यहाँ तक अगर हमें बने रहेंगे, तो हमें बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। ठीक है,
जो भी भाई ये स्टॉक में पोजीशन बना के रखे हुए, जो अक्सर रेगुलर व्यूअर है ये वीडियो, मतलब ये चैनल पे वीडियो देखते हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, ये स्टॉक को आप बिल्कुल बिंदास लेके चल सकते हैं अपना पोर्टफोलियो का। ओनली आप 3% या तो फिर 3% तक इन्वेस्टमेंट कीजिए, 5% अगर आपको रिस्क लगता है आप 3% इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर बाद में जब आपको प्रॉफिट आ जाए तब चैनल पे आप थैंक यू आगे जरूर जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत बढ़िया सा कन्विंस करना है, तो इस स्टॉक में हमें बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से मैं इस स्टॉक को बाय करके चला हूँ, अगर आपने अभी तक कंसिडर नहीं किया है तो अभी भी आप बाय करके चल सकते हैं ये स्टॉक को, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, मैं आपको एक फ्री टिप्स दे रहा हूँ, तो आप लेके चल सकते हैं। तो जहाँ पे आप पेड मेंबरशिप जहीं पे लेंगे और वहां पे ऐसे ही स्टॉक आपको मिलेगा और बढ़िया सा गेयर मिलेगा, यहाँ पे फ्रीली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टॉक में आपको अच्छा लगता है यहाँ पे पोजीशन बना लीजिए, यहाँ पे 93 तक का टारगेट ले लीजिए, आपको 93 का टारगेट जरूर अचीव हो सकता है, जो कि 100% का गेन है, 180% का, 118% का गेन है, आपको 2 साल में स्टॉक का अचीव जरूर हो सकता है ये टारगेट, ठीक है। 2 साल से पहले पहले भी ये टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है ये बेहतरीन गेन है, तो इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो का 3% तक इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा सा गेन लीजिए, स्टॉक मार्केट में एंजॉय कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भाई लोग का ये कमेंट था कि हमें कैसे बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाना है और कैसे अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके क्लिक करके जीरोधा मेरा अकाउंट ओपन कीजिए और मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको जरूर कॉन्टैक्ट करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिए, वो एक बढ़िया सा स्टॉक मार्केट से गेन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।